अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। तुम्हारा भाई ने सोच लिया है यार, तुम्हारा भाई ने सोच पीछे से आ रहा है। देखो आप आओ नीचे आओ, परमिशन भी बताता हूँ। मेरे बात सुनना, क्या गलत बात मत करना। तुम्हारी छोरे की शादी रहेगी, तुम्हारी छोरे की शादी रहेगी, रोड खुदवा लगाएगा तुम। यहाँ पे कहीं पे चैम्बर जाम है, तो जाम है। किस प्रकार की समस्या है? हम 88 प्रेम नगर पार्ट 2 देवास में रहते हैं। हमारे यहाँ पर पिछले 4-5 वर्षों से एक चैम्बर नाली की समस्या चल रही है। चैम्बर को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं यहाँ के लोग। हमारे पास में एक रहते हैं सहायक राजस्व निरीक्षक अधिकारी मिस्टर अजय घाड़गे जी। उन्होंने विगत कई वर्षों से अपने चैम्बर पर कब्जा करके रखा है। हम अगर उनसे कुछ भी बोलने जाते हैं तो वो विवाद की स्थिति पैदा कर देते हैं। गाली गलौज से बात करते हैं, महिलाओं पर गाली देते हैं। समस्या का कोई निवारण नहीं। इतनी गंदगी में हम रह रहे हैं कि बिल्कुल बीमार हो रहे हैं बच्चे, कीड़े मच्छर, ऐसी स्थिति में तो कोई भी नहीं। क्या लगता है इन सबका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार नगर निगम खुद है, और नगर निगम के अधिकारी अगर इस तरह का काम करेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी। आपने कभी शिकायत की वरिष्ठ अधिकारियों से? बहुत शिकायत की है, हमने कॉल करे है, सीएम हेल्पलाइन पे कॉल करे है, नगर निगम में पार्षद से ऊपर जो भी रहता है, वो नगर निगम के अधिकारियों के दबाव की वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब एक बड़ी लापरवाही नगर निगम के अधिकारी ने कब्जा कर रखा है। अगर नगर निगम का अधिकारी इस तरह के काम करेगा तो आम जनता से हम क्या उम्मीद करेंगे, दूसरे अधिकारियों से क्या उम्मीद करेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा शिवांगी पवार। की समस्या है आपके वार्ड में? पार्ट प्रेम नगर पार्ट 2 है, यहाँ पार्ट चैम्बर की समस्या है। ये चैम्बर का रोक रखा है और उसको फिर फोड़ दिया है, तो उसका सारा गंदा पानी बाहर। किसने रोक रखा है इस चैम्बर को और क्यों फोड़ रखा है इन्होंने? अजय नगर निगम के अधिकारी हैं, कौन है हाँ ये तो नहीं पता। उनने रोक रखा है और उसको फिर रोकने के बाद फुड़वा भी दिया है, तो उससे सारा पानी गंदा बाहर आ रहा है। ये सामने मंदिर भी है और मंदिर के आगे ही आता है। अच्छा, और आज समस्या ये हुई कि यहाँ कच्ची बहुत जम गई थी। अच्छा। तो मैंने वो कच्ची पानी से धो दी। अच्छा, तो इसलिए ये समस्या हुई आज ज्यादा। आपने कभी शिकायत की वरिष्ठ अधिकारी सबको की? नहीं हुआ आज तक कुछ, बस आके बस यही जो आज करके गए यही काम करके जाते हैं वो। ठीक है, क्या नाम है आपका? शारदा पांडे। आपका कहाँ पे रहते हैं आप और कौन सा वार्ड नंबर है? परीता खाटवा नाम है। हाँ, और वार्ड 22 नंबर वार्ड। क्या समस्या है यहाँ पे? ये चैम्बर की आए दिन का प्रॉब्लम है। कैसे, क्या चैम्बर चौक हो गया, क्या हो गया? चैम्बर चौक हो गया, उनका पानी आ रहा है लेटरिन बाथरूम का, और इधर भी भरा हुआ है। तो पार्षद नहीं आते वार्ड में? पार्षद आते हैं कभी सभी, हाँ जी हाँ करके चले जाते हूँ। काम नहीं होता कभी? कब से नहीं हुई आपके वार्ड में सफाई? ये मैं महीना भर हो गया, ना तो कोई स्वीपर आता है कि झाड़ू लगाए कि ये साफ सुफ कर दे। क्या समस्या आ रही है इसकी वजह से आपको? मच्छर बहुत हो रहे हैं और गंदगी कितनी फैल रही, लोगों घर में नहीं जा रही। ठीक है, कभी जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं आए इस वार्ड में? कोई नहीं आए, जब सीएम हेल्पलाइन पर फोन करो जब थोड़ा बहुत आते हैं। ठीक है, पता है वार्डों में इतनी गंदगी हो रही है, कहीं ना कहीं आप भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमेशा जनता के बीच में दिखाई देते रहते हैं। किस तरह से कई बार हमने पार्षदों को शिकायत की लेकिन कोई नहीं आया,
ऐसा रहवासियों का कहना, आज आप नी पार्षद होने के बाद आए, क्या कहना चाहिए? आज आयुक्त महोदय को हमने शिकायत करी थी, श्रीमान जी सुशील जी महोदय आए हैं, आज पूरा निरीक्षण करा है वार्ड का, जहाँ जहाँ ड्रेनेज की समस्याएं हैं, जहाँ जहाँ से ड्रेनेज बह रहे हैं, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है, सब उन्होंने बताया है, और जहाँ जहाँ विवाद की स्थिति बनी है आज उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आज हम ये पूरी लाइन क्लियर करेंगे, और जहाँ जहाँ नई लाइन डालना वो भी लाइन डालेंगे, विवाद को खत्म करेंगे और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था बनाए रखेंगे। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम राजू सोनी, भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रभारी सीनियर मंडल। समस्या यहाँ प्रेम नगर पार्टी टू कॉलोनी है, यहाँ पे 100 एमएल लाइन की बहुत ज़्यादा समस्या है। आए दिन चैम्बर हर दो दिन में अगर सही भी होता तो दो दिन में वापस पानी बाहर फेंकने लग जाता, दरोगा को बार बार शिकायत करना पड़ती है, किसी कारणवश वो भी नहीं आ पाते, तो ऐसा करके पार्षद को कभी शिकायत की आपने इसकी? पार्षद को भी शिकायत करते ही रहते हैं, समय लगता है, बाकी उसमें ऐसा नहीं हो जाता, बस हर बार दिलासा दिया जाता है कि अपन बीच का डलवा दे। आपने किसी उच्च अधिकारी को शिकायत की कभी? उच्च अधिकारी को भी दे दी सर ये शिकायत, सांसद महोदय को आवेदन दे के आए थे हम दो दो बार के, वहाँ भी दे दी, कुछ भी नहीं हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? अपन नहीं चाहते बीच की लाइन मिल जाए इसमें। ठीक है, क्या नाम है आपका? अक्षय पांडे। किस प्रकार की समस्या आपके वार्ड में? 99 प्रेम नगर पार्ट टू में खड़ी हूँ अभी, आप देख सकते हैं कि किस तरह गली में ये गंदा हो रखा है, जिसके कारण मंदिर भी है सामने, मंदिर में आने जाने वालों को भी प्रॉब्लम होती है, उसके साथ ही आम जनता को भी निकलने में प्रॉब्लम होती है, और ये सफाई होती है लेकिन दो दिन बाद फिर शुरू हो जाता है। तो हमारा क्या मुख्य कारण है जो बार बार यहाँ पे आए दिन गंदगी फैल रही है? एक तो लोगों ने अपने अपने घरों के चैम्बर को पैक कर रखा है, जिसके कारण अच्छे से सफाई नहीं हो पा रही है। दूसरा ये है कि अतिक्रमण हो रखा है, जिसके कारण चैम्बर को घर के अंदर ले रखा है, फिर भी उसी में घर के बाहर छेद करके और रोड पे पानी निकाला जा रहा है। ठीक है, आपने इसकी शिकायत की कभी किसी से? जी, सी एम एल पे लाइन पे भी की है, पार्षद को भी बोला है, लेकिन हमारे यहाँ के पार्षद जो है आते हैं और एक एक घंटे का भाषण देके चले जाते हैं और काम कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? दीपिका सिंह। वार्ड में स्वास्थ्य अधिकारी भी आप कई वार्डो में पहुंचे, आपने स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया, क्या कुछ पूरा विषय? ये प्रेम नगर पार्ट टू शिकायत हुई थी, आयुक्त महोदय के निर्देश से हम लोग आए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा मौके पे प्रॉब्लम तो है, सीवरेज लाइन की जगह बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, जिसको बदलना पड़ेगी। फिलहाल हम सफाई की व्यवस्था करवा रहे हैं, और जहाँ भी जरूरी हुआ वहाँ पर राजस्व विभाग के उप निरीक्षक कहीं ना कहीं उनसे भी तूतू में होती दिखाई दे रही है, उनके द्वारा आपस में पड़ोसी और उनके बीच में कुछ बहस हुई किसी मेट्रो को लेकर। रहवासियों का आरोप है कि अतिक्रमण कर रखा है, उनका मकान बना हुआ तो आगे है, नोटिस जारी करेंगे, होगी उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे।